मेरे लिए तो आज विडंबना है, एक तरफ से मैं रिटायर भी हो रहा हूँ तो मेरी भी विदाई हो रही है, मैं भी सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी तरफ जो दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने मुझे इस सदन के नेता के रूप में दिया है, उस दृष्टिकोण से मैं जो सभी हमारे 71 माननीय सांसद आज और अब से लेकर जुलाई तक रिटायर होंगे, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद करना चाहता हूं कि वास्तव में उनके पूरे कार्यकाल में, और जैसा आपने सुबह बताया, कई माननीय सदस्य तो वर्षों तक देश की सेवा में सदन में भाग लेते रहे हैं, सभी ने, छोटा कार्यकाल हो बड़ा हो, अलग अलग तरीके से अपनी अपनी छाप, एक लेगेसी इस सदन की गरिमा को बढ़ाने में छोड़ी है, याद रखी जाएगी, हम सब को प्रेरणा देती जाएगी, आगे चल के इस सदन के लिए भी कुछ मापदंड के रूप में बने रहेंगे। कई सारे रूलिंग्स, कई सारे अलग अलग विषयों के ऊपर बड़ी गंभीर चर्चाएं, ये एक तरीके से इस सदन के इतिहास में लिखी जाएंगी। और मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आपने गत वर्षों में एक डिसिप्लिन अप्रोच के बारे में कई बार हम सबको गाइड किया, हम सबको सुझाव दिए, ये वास्तव में हम सबके लिए एक रिफ्लेक्शन का भी पीरियड है कि हम किस प्रकार से आगे सदन को देखना चाहते हैं और देश के समक्ष भी किस प्रकार से अपने सदन की कार्यवाही को पेश करना चाहते हैं। आज संजोग की बात है कि शुरुआत में हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय खड़गे जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद दिलाई। वास्तव में मेरे लिए तो इससे बड़ा अच्छा संजोग है कि मैं बचपन से ही उनकी गोद में भी खेला, उनके साथ कंचे तक खेले, और मुझे अभी तक याद है वो इस उंगली से कंचा मारते थे, और मेरा तो कभी लगता नहीं था, उनका 10 फुट दूर भी जाके सीधा लग जाता, और कुछ मात्रा में वही बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने करी। अब वो बताना चाह रहे थे कि अटल जी ने पीड़ा व्यक्त की थी कि उनकी बात सुनी नहीं जाती थी, तो वास्तव में मुझे याद आया कि सही बात है, उस समय विपक्ष की आवाज को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, विपक्ष की आवाज को बुलंद होने नहीं दी जाती थी, और कई बार अटल जी कहा भी करते थे कि हमारी संख्या कम होने के कारण हम पर्याप्त मात्रा में अपना प्रभाव नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको खड़गे जी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, सदन और ये सरकार का जो मंशा है, हमारे नेताओं की जो मंशा है, वो हर प्रकार से हर पार्टी के हर माननीय सदस्य के जो विचार हैं उसको अच्छी तरीके से लेने की, उसको ग्रहण करने की, उसमें से जो अच्छे सुझाव आते हैं उसको अमल करने की, यही मंशा के साथ हम काम करते आए और आगे भी करते रहेंगे। 2010 में जब मैं पहली बार आया था तो मुझे जहाँ तक याद है मनोज जी की सीट पे बैठता था, सेकेंड लास्ट रो में। माननीय अरुण जेटली जी स्वाभाविक रूप से याद आते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते थे, हम सबको मेंटर करते थे, और कई माननीय सदस्यों ने आज उनको याद भी किया, कई माननीय सदस्यों ने सुषमा जी को भी याद किया, और हम सबके लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े बड़े महानुभाव ने इस सदन को दिशा दी और इस सदन की दशा को भी सही माने में अच्छा रखने में बड़ा बड़ा योगदान दिया। माननीय चेयरमैन सर, आपका भी वास्तव में इस सदन में इस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ का अगर योगदान देखें तो हम सब आपको भी बहुत मिस करते हैं कि आप हम में से निकल के आप आसन पे तो आ गए, लेकिन आपका जो योगदान था, जिस प्रकार से आप हम सबको भी सांसदों के रूप में प्रोत्साहित भी करते थे, मार्गदर्शन भी देते थे, वो ऑलवेज हम सबके मेमोरी में भी रहेगा और हम सबको गाइड भी करते रहेगा। कई बार नर्वसनेस आती है, कई बार डिबेट में शुरू में पार्टिसिपेट करने में बहुत हिचक होती थी। मुझे याद है तब आप कैसे पीठ थपथपा के कहते थे,
बोलो जो ध्यान में आते हैं अच्छी तरह पढ़ के आओ, सीख के आओ। और आपने मुझे पहली डिबेट के पहले जब मैं आपके पास आया था, इरडा और सेबी की डिबेट थी मेरी पहली मेडन स्पीच। उन दिनों तो समय की पाबंदी नहीं होती थी, तो शायद मैंने मेडन स्पीच 50 मिनट के लिए दी थी, पर रुचि का सब्जेक्ट था सेबी और इरडा के बीच झगड़ा चल रहा था, नर्वस भी बहुत था। लेकिन माननीय चेयरमैन साहब, आपने उस दिन मेरी पीठ थपथपाई थी और कहा था पढ़ के आयो ना। मैंने कहा दो दिन सोया नहीं हो, यही स्टडी की है। और आपने कहा था पूरी अच्छी तरीके से अपनी बात रखो। और मुझे आनंद आता है जब मैं याद करता हूँ कैसे प्रणब दा ने उस समय मेरा भी हौसला बढ़ाया, कैसे जब पहली बार बजट में मुझे वहाँ बैठे ओपन करने के मौका आपने दिया था, तब प्रणब दा ने उसका बहुत सराहना की और मुझे भी एक एक प्रकार से और ज़्यादा उत्साहित किया कि मैं रिसर्च करूं, स्टडी करूं, करके यहाँ पे काम करूं। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हम में से भी कई सदस्य नए हैं, अब और कई सारे नए सदस्य आएंगे। हम ज़रूर आशा करेंगे हम रिटायरिंग सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों को फिर मौका मिले सेवा करने का सदन का, लेकिन पुराने नए हम सभी सदस्यों को लगातार रिसर्च, तर्क के साथ अपनी बात रखना, और जैसा आप कई बार कहते हैं अच्छे शब्दों की, अच्छी शब्दावली को इस्तेमाल करके वही बात कही जा सकती है, बजाय के तंज कसने के या एक प्रकार से तूतू मैमे की राजनीति से उठ के अगर हम सब एक संवेदनशील सांसदों की तरह देश हित में और जनता के हित में काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ वास्तव में जो उच्च सदन है, जो एक हाउस ऑफ एल्डर्स के रूप में हम समझते हैं, उसकी गरिमा और बढ़ेगी और देश का भी विश्वास हम सब पे और बढ़ेगा। हम सब के लिए बहुत सुखद अनुभव रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गत वर्षों में देश को दिशा दी है, जिस प्रकार से स्ट्रक्चरल चेंजेस करके इस देश को आगे वर्षों वर्षों तक बढ़ाने के लिए हम सबको लगातार उनका मार्गदर्शन, उनका निर्णायक नेतृत्व का लाभ मिलता है। मुझे आशा है कि देश का भविष्य बड़ा उज्जवल है और उनका समर्पण, जिस प्रकार से उन्होंने इस देश के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस सरकार में हम सबको भी काम करने में लगाया है, जिस प्रकार से वो सभी के साथ मिल के सबका साथ लेके सबका विश्वास जीत के इस देश का विकास करना चाहते हैं, सबके साथ सबका प्रयास जोड़ते हुए लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहते हैं, उसमें राज्यसभा में हम सब बैठे सांसदों का बहुत बड़ा अहम भूमिका रहेगी। अच्छे अच्छे मौके आए कोविड के समय, कोविड अच्छा नहीं था लेकिन जिस प्रकार से सबने एक आवाज में इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता संकल्प दिखाया, जिस प्रकार से अलग अलग विषय जो राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े रहते हैं उसमें पूरा सदन एक होता है, ये सब अच्छे संजोग हैं और मैं समझता हूँ इनको आगे चल के कैसे हम आगे और बल दें इस पे हम सब मिलके काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। रिटायरमेंट सर्टनली इज अ टाइम ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स एंड वी विल मिस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल आर एस्टीम्ड कलीग्स हु मे नॉट कम बैक। We will remember them for their outstanding work, but at the same time, I think life is a journey. We all are part of that journey. Ganga ki pravah ki tarah samay bhi bitega, zindagi bhi bitegi, par hum sab apne apne kartavyon ka, apne desh bhakti ka parichay desh ko lagatar dete rahenge, aisa mera vishwas hai. Jin सांसदों ने यहाँ पे सेवा दी और जो वापस नहीं आएंगे उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने सहयोग दिया जिस प्रकार से पूरी निष्ठा के साथ और पूरे ज्ञान अपना लेके यहाँ पे उन्होंने डिबेट्स में, क्वेश्चंस में, सब में पार्टिसिपेट किया, वो हम सब के लिए अच्छी यादगार बनी रहेगी। आपका, आपके स्टाफ का, सेक्रेटरी जनरल का, टेबल ऑफिस, मार्शल, सिक्योरिटी स्टाफ, इस पूरे प्रांगण में जितनी व्यवस्थाएं हैं वो जितना क्लॉकवर्क प्रिसिशन से चलती हैं अपने आप में वो भी एक बड़ा अनोखा सा
व्यवस्था है, और मैं समझता हूँ इस पूरी व्यवस्था के प्रति भी एक रिटायरिंग मेंबर के नाते मैं अपना साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं नाम नहीं लूँगा सबका, पर अगर कुछ कभी नोक झोंक में किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगी हो, कम ज़्यादा रह गई हो, तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ अच्छी बहस, अच्छी मित्रता में थोड़ा बहुत कभी नोक झोंक भी हो जाए तो इतना बुरा नहीं है। हम सब मिल के आगे भी मित्रता अपनी रखें, आगे भी दोस्तों के नाते काम करते रहें। ये इनिंग्स कुछ मात्रा में एक पड़ाव आज क्रॉस होगा या इस दौरान क्रॉस होगा, पर टेस्ट मैच तो लंबा है, हम सब खेलते रहेंगे। कोई लोग सेम पिच पे खेलते हैं, कुछ लोगों को मौका मिलता है पिच बदलने का, कई लोगों को अभी भी आमंत्रण है अगर पिच बदलना चाहे तो नए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि मिलजुल के हम सब काम करें और आगे सभी के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पुनः एक बार अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।